नमस्कार साथियों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम कोरोना वायरस या COVID-19 की रिपोर्ट देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले रिपोर्ट की जो बेसिक जानकारी है वह आप सुन लीजिए, क्योंकि आप किसी भी सीरीजों में देखते हैं अक्सर पूर्ण रिपोर्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आपको रिपोर्ट का क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है और किस प्रकार आता है, आपको किस कैसे क्वेश्चन आने पर रिपोर्ट कहां से प्रारंभ करना है, और यदि सेकंड प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कहां से प्रारंभ करना है। यदि क्वेश्चन में पब्लिश लिखा हो तब हमेशा रिपोर्ट फ्रॉम और टू से प्रारंभ होती है। सबसे पहले फ्रॉम लिखते हैं, इसके बाद टू लिखते हैं। फ्रॉम में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाता है या लिखता है। टू में उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जहां पर प्रकाशित की जानी होती है। जैसे हम किसी न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाने के लिए लिखेंगे तो टू में लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम। यदि मान लो कि क्वेश्चन में पब्लिश नहीं आया, क्लास 12th की अधिकांश रिपोर्ट में पब्लिश नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, आज कई बार आ भी चुका है। तो यदि आता है तो फ्रॉम और टू से प्रारंभ करोगे, और नहीं आता है तब आप प्रारंभ करोगे डेट से। किससे प्रारंभ करोगे? डेट से। 70% रिपोर्ट में पब्लिश का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन 30% रिपोर्ट ऐसी हैं जिनमें पब्लिश लिखकर आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि पब्लिश आने पर आप कहां से रिपोर्ट करेंगे प्रारंभ, और पब्लिश ना क्वेश्चन में लिखा होने पर कहां से लिखेंगे। तो आज की जो रिपोर्ट है वह कोरोना वायरस या COVID-19 पर है। क्वेश्चन आपके सामने है। यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए रिपोर्ट, प्रोड्यूस ए राइट अप ऑन COVID-19। COVID-19 पर आए तब भी आपको यही रिपोर्ट तैयार करना है, कोरोना वायरस पर आए तब भी आपको यही रिपोर्ट तैयार करना है। कितने शब्दों में दिया गया है? 1500 से 200। हम इसकी शब्द सीमा 200 से अधिक रखेंगे, जिससे यदि 250 शब्द या 200 से 250 शब्द के मध्य भी कहे तो भी आप लिख सको। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका। वैसे पेपर में वार्षिक में 1500 से 200 ही शब्द सीमा आती है। कौन कौन सी रिपोर्ट आपको प्रयोग करना है? जब भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं तो नीचे जो बिंदु होते हैं दिए जाते हैं, वह सभी के सभी बिंदु उस रिपोर्ट में प्रयोग किए जाने चाहिए जो आप लिख रहे होते हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहां और कैसे इसका जन्म होगा? सिम्पटम, लक्षण, बचाव, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक पैंडेमिक डिसीज, इन सब चीजों का हमें जिक्र करना है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं पब्लिश नहीं लिखा है, और जब पब्लिश ना लिखा हो तब रिपोर्ट कहां से स्टार्ट होती है? डेट से। कहां से प्रारंभ होती है? डेट से। अपन प्रारंभ करते हैं डेट से। आपको डेट इस कॉलम में लिखना है। कौन से कॉलम में? इस कॉलम में। तो आपका रिपोर्ट आपके सामने है। सबसे पहले आप एक बात हमेशा याद रखें कि यहां पर जो डेट डालनी है वह पास्ट की डालना है। जिस दिन आप, जब भी आप यह घटना घटित हुई थी या लिख रहे होते तो पास्ट की डेट डालना है यहाँ पर। कोरोना वायरस पैंडेमिक डिसीजन ये इसका सब्जेक्ट है। आपको कोरोना वायरस पर जब भी रिपोर्ट तैयार करना है तो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है पैराग्राफ बाई पैराग्राफ होनी चाहिए। सेकेंड बात, आपको कलर नहीं बदलना है, आपको एक ही कलर प्रयोग करना है एग्जाम में। हमने यहां पर अच्छा साफ दिखने के लिए कलर चेंज करके लिखा है। तो कोरोना वायरस इज ए कॉमनली कॉल्ड एज COVID-19। कोरोना वायरस को सामान्य तौर पर हम COVID-19 के नाम से जानते हैं। अभी तक आपने कोरोना वायरस का निबंध इंग्लिश से तैयार नहीं किया तो ऊपर प्ले लिस्ट दी गई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर कोरोना वायरस का इंग्लिश निबंध देख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार है, सामान्यता उसे डिवाइड किया गया है, इंट्रोडक्शन और सिम्पटम, प्रिवेंशन, उसे विभेद बस किया है, बल्कि यही है। तो यदि आप उसे देख लोगे तो इसे याद नहीं करना पड़ेगा, और इसे देख लोगे तो उसे याद नहीं करना का पड़ेगा, बस लिखने का तरीका देखना है। कोरोना
कोरोना वायरस बिच इच कॉमनली कॉल्ड एच कोविड-19। कोरोना वायरस को सामान्य तौर पर हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस इज फर्स्टली आइडेंटिफाइड दिसंबर 2019। कोरोना वायरस को सबसे पहले दिसंबर 2019 में पाया खोजा गया था इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। यह चाइना की वुहान शहर में 11 मार्च 2020 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं WHO, डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक पैंडेमिक डिजीज। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया था। इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अमंग दोज इन क्लोज कॉन्टेक्ट। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है। जो व्यक्ति बहुत ही घनिष्ठ संपर्क में संबंध रहते हैं, कितने पास नजदीक होते हैं, 6 फीट और 2 मीटर। द वायरस स्प्रेड बाय रेस्पिरेटर ड्रॉपलेट जनरेटेड फ्रॉम द कप और स्नीच ऑफ एच कोविड-19 पेशेंट। यह जो वायरस है, खांसने छींकने से श्वास के संबंध श्वास यानी हवा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है, वह छींकेगा और आप उसके क्लोज में हैं, तो आपको भी कोरोना वायरस हो जाएगा, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है। कोविड-19 सिम्पटम्स आर इज फॉलोइंग। कोरोना वायरस के लक्षण निम्न प्रकार से हैं: फीवर है, ड्राई कफ है, बुखार है, सूखी खांसी, थकावट है, दर्द और दर्द है, गले में दर्द है, त्वचा पर दाने, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द है और लेस बोलने में परेशानी। ये सीरियस सिम्पटम है। अगला पॉइंट है, इफ वी वांट टू अवॉइड कोरोना वायरस वी मस्ट फॉलो दीज प्रिवेंशन। यदि हम कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, तो हमें प्रिवेंशन या बचाव का पालन करना चाहिए। वॉश हैंड रेगुलरली, नियमित रूप से हाथ साफ करें। मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस, एक दूर निश्चित दूरी बनाकर रखें। मास्क लगाएं। अवॉइड टचिंग योर आईज एंड नोज एंड माउथ, और अपने मुंह को, नाक को और मास्क को बार बार छूने से बचें। यदि आप कोविड-19 पर या कोरोना वायरस पर नोटिस याद करना चाहते हैं, तो ऊपर आई बटन पर नोटिस दिया गया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आप यदि चाहते हैं आसान तरीके से अदर चीजें, तो आप ऊपर भी उसकी आई बटन पर लिंक दी गई है। इसका लास्ट पॉइंट और देखें, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवर इश्यू दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है, जो संसार के लोगों को फंसा रही है। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल। यह बहुत ही आवश्यक हो चुका है कि जितने से जितनी जल्दी हो सके हम इस स्थिति से निकल सकें। टूगेदर वी आर कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पैंडेमिक। हम सभी मिलकर ही इस वैश्विक बीमारी से बाहर आ सकते हैं। स्टे होम सेफ लाइफ, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा भी यदि आप हिंदी में कोरोना वायरस पर निबंध चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी में कोरोना वायरस पर निबंध याद कर सकते हैं। अंत में भी मैं हिंदी की कोरोना वायरस के निबंध पर इंडस्किन पर भी आपको मिल जाएगी। पोस्टर चाहते हैं तो पोस्टर भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और दूसरे छात्रों तक शेयर करें, जिससे वो भी इस चैनल के द्वारा लाभ उठा सकें। नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री राम।